अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच जारी वाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर 413 पन्नों का जवाब सौंपा है। अदानी समूह ने हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए आरोपों को भारत पर हमला करार दिया है। अडानी के बयान पर पलटवार करते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि अदानी ग्रुप राष्ट्रवाद की आड़ में अपने फ्रॉड को नहीं छिपा सकता है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अदानी के 413 पेजेस में से सिर्फ 30 पन्नों में आरोपों का जवाब है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि अदानी ने 88 में से 62 सवालों का जवाब ही नहीं दिया। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि राष्ट्रवाद की आड़ में फ्रॉड को नहीं छिपाया जा सकता है। हिंडनबर्ग ने कहा कि अदानी ग्रुप देश की सुनियोजित लूट में शामिल है। और इस मसले पर जो भी अपडेट आज हुए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार के पास। बिल्कुल, रिएक्शन यही है और बार बार हिंडनबर्ग का यही कहना है कि जो मुख्य सवाल थे उन मुख्य सवालों का जवाब जैसा उनको चाहिए वैसा नहीं दिया गया है। 88 सवालों आरोपी है कि उन्होंने कहा कि 88 जो सवाल पूछे थे उसमें से 62 सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। जो जानकारी दी गई है 413 पन्नों में उसमें या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डेटा है या फिर उन कोर्ट के ऑर्डर्स का हवाला है जो लंबे समय से चल रहे थे और जहाँ पर लीगली अडानी ग्रुप अटका हुआ था। तो उनका कुल मिलाकर कहना यह है कि जो भी जवाब दिया गया है वो संतोषजनक जवाब नहीं है और जो मुख्य सवाल हैं वो आज भी उनके जवाब मिलने उनको बाकी हैं। लेकिन अडानी ग्रुप का बार बार यही कहना है कि हिंडनबर्ग का जो आरोप है वो आरोप ठीक नियत से नहीं लगाया गया है और इसके पीछे कोई दूसरी मंशा है जो हिंडनबर्ग जिस वजह से अडानी ग्रुप पर इस तरह के आरोप लगा रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से आरोपों और जवाबों का सिलसिला जारी है। इस बीच एफपीओ की तारीख जो है वो 31 जनवरी कल है जो बंद हो रहा है और एफपीओ पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि आखिर वो भरेगा कैसे और किस तरह से। जो दावा किया गया था अडानी ग्रुप की ओर से कि ना तारीख बढ़ाएंगे ना एफपीओ का दाम कम करेंगे, वो कैसे पूरा हो पाएगा।